स्वागत है आपका एचवाईडी टीवी के प्राइम टाइम में। मैं हूं फरहाद। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। केसीआर ने की लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत। करीमनगर में आयोजित की गई शानदार जनसभा। हर गुजरता दिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए लेता है नई चुनौतियां। उपराष्ट्रपति का बयान। दवाओं की सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर दिया जोर। तेलंगाना में पूर्ण मतदाता सूची 25 मार्च को की जाएगी जारी। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का बयान। महिलाओं की सुरक्षा के नारे के साथ शी टीम्स की VR1 रन। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने झंडी दिखाकर किया दौड़ का शुभारंभ। न्यूजीलैंड की घटना बुजदिलाना हमले की बदतरीन मिसाल। जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्रा के अध्यक्ष ने हमले की कड़ी निंदा। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने आज 17 मार्च को करीमनगर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। बता दें कि जिला करीमनगर 2001 से ही TRS के लिए एक मजबूत गढ़ माना जा रहा है। इस जनसभा में राज्य मंत्री, TRS के विधायक, MLCs और अन्य लीडरों के अलावा जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री KCR ने कहा कि इस बार केंद्र में न NDA और न ही UPA की सरकार बनेगी, बल्कि इस बार फेडरल फ्रंट की सरकार बनेगी जो देश के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम करेगी। KCR ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से TRS को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। TRS सरकार ने अब तक जन कल्याण के लिए लगभग 400 से ज्यादा योजनाओं पर पालन किया है। KCR ने जनता के विश्वास और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भी जनता से TRS को 16 सीटों पर विजय कराने के लिए आग्रह किया। उनका कहना था कि केंद्र में राज्य की आवाज बुलंद करने के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है। उन्होंने जनता से TRS के प्रत्याशियों का साथ देकर उन्हें सांसद बनाने की अपील की। KCR ने कहा कि राज्य से TDP के बाद BJP और अब कांग्रेस का सफाया हो गया है। उन्होंने गोल्डन तेलंगाना के ख्वाब को जल्द पूरा कर लेने का आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने शोध पर जोर देने के साथ विश्व सत्र की दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दवा निर्माण में गुणवत्ता के उच्च मानकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता होनी चाहिए और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जैसे गुणवत्ता ढांचे का सख्ती से पालन करना चाहिए। हैदराबाद में सरोजनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय के दूसरे निर्णायक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने अनुसंधान और नवाचार पर जोर देने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर दिन स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, विशेषकर गैर संचारी और जीवन शैली संबंधी बीमारियों और कैंसर की संख्या में खतरनाक वृद्धि के साथ। उन्होंने कहा कि नई दवाओं की खोज करनी होगी और उपचार प्रोटोकॉल को लगातार उन्नत करना होगा। ये देश है भविष्य मेरु युवत सर दारी पे देश सर मुझे మన దేశం ఇవాళ అదృష్టవశాత్తు చాలా శక్తివంతమైన దేశంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం వేగంగా. అలాంటప్పుడు యువత సరైన దారిలో పడితే, అదేవిధంగా కష్టపడితే, ఇష్టపడితే పైకి కష్టపడితే ఎవరైనా పైకి వెళ్ళొచ్చు. దానికి ఫలాన వాళ్ళ కుటుంబంలో నుంచి అరే అయిపోయింది, వారసత్వం కాదు. నువ్వు కష్టపడితే, అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, ఎయిమ్ హై అండ్ డ్రీమ్ హై అండ్ ఎయిమ్ హై అండ్ నేను చెప్తున్నా, డ్రీమ్ హై, ఎయిమ్ హై అండ్ వర్క్ హై ఆల్సో. పని చేయకుండా కలలు కంటే మనం పైకి వెళ్ళలేం కదా. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश में YSRCP के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक रैली में जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR पर जमकर हमला बोला। दूसरी ओर तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान पोलित ब्यूरो के सदस्य रावला चंद्रशेखर रेड्डी ने एक बैठक आयोजित करने के बाद किया।
उन्होंने कहा कि टीडीपी केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए जाएगी जहां उसके जीतने की संभावनाएं हैं। पोलित ब्यूरो की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर सुझाव भी मांगा गया। पोलित ब्यूरो के सदस्य रावला चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि 3-4 दिनों में सूची बाहर हो जाएगी। पार्टी की योजना मलकाजगिरी, खम्मम, चेवेला, महबूबाबाद, आदिलाबाद और वारंगल से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की है। ఇదెక్కడ న్యాయమని అడుగుతున్నా. మొన్న మీరు చూశారు హైదరాబాద్లో ఆడో కేసీఆర్ తమ్ముళ్ళు మీతో సమానంగా మీ మారిగానే కూర్చున్న వ్యక్తి ఈరోజు నా మీద పెత్తనం చేస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు నా దగ్గర పనిచేశాడు కేసీఆర్, అవునా కాదా? మీరు చూశారా లేదా? ఆయన ఇప్పుడు నా మీద దౌర్జన్యం, ఏదో నీకు అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి అయ్యావు, నేను మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు. మా తమ్ముడు చేసినట్టు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు. అప్పుడు కూడా సామాజిక న్యాయం కోసరం పోయాను. ఓకే, కమ్యూనిటీకి 3 మంత్రి పదవి లేవని నేను ఇద్దరికి ఇచ్చాను, కాబట్టి మళ్ళీ నీకు ఇస్తాను. డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఇచ్చా, కానీ పార్టీ పెట్టాడు, ఏదో కలిసి వచ్చింది. ఈరోజు హైదరాబాద్ బాగుందంటే ఎవరు ఎవరు చూపించారు? ఆ చొరవ నేను కదా, అభివృద్ధి చేసింది మనం కదా. 60 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాం. విధానసభ మే విపక్ష కే నేతా మల్లు భట్టి విక్రమారక్ నే రాజ్య సర్కార్ కో బర్ఖాస్త్ కర్నే ఔర్ రాజ్య మే సంవిధాన్ కే ప్రావధానో కే ఉల్లంఘన్ కో రోక్నే కే లియే రాష్ట్రపతి శాసన్ లగానే కీ మాంగ్ కీ. భట్టి విక్రమారక్ నే మీడియా కో సంబోధిత్ కర్తే హువే కహా కే కాంగ్రెస్ నేతా 18 మార్చ్ కో రాజ్యపాల్ సే మిలేంగే ఔర్ ఏక్ జ్ఞాపన్ సౌపేంగే జిస్మే రాజ్య సర్కార్ కో బర్ఖాస్త్ కర్నే కీ మాంగ్ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे जो राज्यपाल से मिलेगा। ఒక పార్టీ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి శాసన సభ్యులు యాంటీ డిఫెక్షన్ బిల్ ప్రకారం ఇంకొక పార్టీలోకి చేరినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలి. అలా రద్దు చేయాలని చెప్పి భారత పార్లమెంట్లో బిల్లు తీసుకొని వచ్చి 10th షెడ్యూల్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది. అదే భారత రాజ్యాంగం పైన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేస్తూ రాజ్యాంగ పరిరక్షకుడిగా రాజ్యాంగానికి లోబడి పరిపాలన చేస్తానని చెప్పినటువంటి ప్రమాణం అంతా కూడా ఈరోజు దాన్ని తొంగలో తొక్కారు. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने सेक्रेटरेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूर्ण मतदाता सूची 25 मार्च को जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में वोटर लिस्ट में नए नाम दर्ज करने के लिए कुल 3,38,726 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 3 करोड़ मतदाता हैं। रजत कुमार ने कहा कि 28 मार्च से फोटो वोटर स्लिप का वितरण किया जाएगा और जिनको यह स्लिप नहीं मिली हो या किसी से गुम हो गई हो तो वो लोग मी सेवा से 25 रुपए के भुगतान से वोटर स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। ఆల్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే 22nd జాబితాలో వచ్చిన పేరు అందరికీ వీ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ బై 25th. 25th తర్వాత మేము సప్లిమెంట్లో ఇంకా 3 లాక్స్ ఇంచుమించు కొత్త ఓటర్స్ వస్తారు, వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేకప్ చేస్తాము. అలాంగ్ విత్ ది ఫోటో ఓటర్ స్లిప్స్ బిఏలోస్ వెళ్ళి వాళ్ళకి కూడా 5th ఆఫ్ ఏప్రిల్ లోపల ఫోటో ఓటర్ స్లిప్ అండ్ ఎపిక్ కార్డ్స్ టు ఆల్ ది న్యూలీ ఎన్రోల్డ్ ఓటర్స్ will be completed. To that extent, our electoral roll work will be taken up and completed. महिलाओं की सुरक्षा के नारे के साथ हैदराबाद नगर के पीपल्स प्लाजा पर हैदराबाद पुलिस शी टीम्स की ओर से VR1 रन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गवर्नर ESL नरसिम्हन ने किया। इस रन में तेलंगाना के सरकार के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, GHMC कमिश्नर दाना किशोर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुनील शर्मा, एक्टर्स पूजा हेगड़े और निहारिका, टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल के अलावा महिलाएं, पुरुष और छात्रों ने भाग लिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम
शिखा गोयल के नेतृत्व में इस रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि शहर को अपराध मुक्त और महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एक टीम के सर्वे रिपोर्ट में भी हैदराबाद नगर को रहने के लिए सुरक्षित शहर करार दिया गया है। Good morning to you all. Be ready to run. We have been giving you slogans every time. This time I want you to give us this slogan. He or she, you are with me. That is a slogan that I want you to give us. Her safety, his safety is our safety. This is what I want you to certify us, because we keep giving you slogans, and this certification is what I want from you today. And the numbers in which you are participating in this run shows that we are all together. And this is an excellent effort by the She team. I congratulate the She team of the city police. And I can assure you that both he and she are secure in this state. All the very best. Happy running. बीते शुक्रवार को न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में हुए आतंकी हमले के विरोध में हैदराबाद नगर के नेकलेस रोड पर एक जुटता मार्च निकाला गया। ये विरोध प्रदर्शन हैदराबाद की विभिन्न महिला संगठनों की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और छात्रों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और हमलावर आतंकी को सख्त सजा देने की मांग की गई। बता दें कि न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में हुए आतंकी हमले में 49 लोग मारे गए थे, जबकि कई घायल भी हुए थे जिनका इलाज जारी है। हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड के का जो वाकया हुआ उस जिम्मन में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा बनाकर इसके ऊपर अटैक किया जाना, और वो तफा मुसलमान बेल्ट का जो बिल्कुल नहते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या मसाजिद में हैं, इस तरीके से उनको टारगेट बनाना, ये इंतहाई इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं। और हम ये महसूस करते थे कि एक ज़माने तक न्यूजीलैंड, खासतौर पर 1990 में एक लास्ट वाकया हुआ था, और उनके पास कभी ऐसे रायट्स या कभी ऐसे इस किस्म के दहशतगर्दाना हमले नहीं हुए थे। फिर आज 2019 में ये हमला हुआ, तो हमको यहाँ पर एक सोच और फिक्र हमारी बहुत ज़्यादा और ये हो गई कि ये बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमान खामोश है, और उनके हम ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर तहकीक हो और ये मालूम किया जाए कि आखिर ये इसके पीछे लॉबिंग क्या है, या इसके पीछे कौन है जो हमारा मुसलसिल हाथ धुके पीछा पड़ा हुआ है कि मुसलमान जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं उनका जो सो इस तरीके से सफाया किया जाए। डीजल के दाम में रविवार को लगातार चौथे दिन राहत मिली, तो वहीं पेट्रोल के दाम में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। पिछले चार दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 31 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि पेट्रोल के भाव में 30 पैसे प्रति लीटर वृद्धि दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 8 पैसे और चेन्नई में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, लेकिन चारों महानगरों में डीजल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में पैसे के बल पर वोट खरीदने की तैयारी है? क्योंकि आए दिन पुलिस को तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में राशि का मिलना इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। ताज़ा मामले में एलबी नगर जोन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसओटी ने तलाशी के दौरान 70 लाख रुपए की राशि जब्त कर ली है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट में इस मामले का विवरण देते हुए बताया कि आर के पुरम चेक पोस्ट के पास पुलिस ने हवाला रैकेट का भांडा फोड़ते हुए चंद्रकांत वर्मा नामी व्यक्ति के पास से 70 लाख रुपए जब्त कर लिए, जिसका वो हिसाब नहीं बता पाया। वो एक जैकेट में छिपाकर ये राशि ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति चंद्रकांत वर्मा और जब्त की गई राशि को निरेडमेट पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि इसकी मालूमात इनकम टैक्स विभाग को भी सौंपी जा रही है। महेश भागवत ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपए तक अपने साथ ले जाने की अनुमति है। उससे ज्यादा राशि ले जाने वाले को उसका हिसाब देना होगा, वरना उस राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ఈ ఎలక్షన్ పరంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అలాంటి కూడా ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే దానికి కూడా మన పక్కాది మా చెక్ పోస్ట్ పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళతో ఎస్ఓటీ వాళ్ళ సాయం చేస్తారు. తర్వాత దాదాపు 70 lakhs క్యాష్ ఈ అమౌంట్ మనకు చెకింగ్లో దొరికినాయి. ఈ క్యాష్ క్యారీ చేస్తున్న వ్యక్తి పేరు చంద్రకాంత్ వర్మ,
సలాం జుగల్ కిషోర్ వర్మ డైమండ్ జ్యువెలరీలో ఈయన పనిచేస్తున్నారు. డ్యూటెన్స్ ఈయన ఊరు సొంత ఇల్లు అన్ని అంతకుముందు మనకు చోట్ పాకెట్ అని అనేవాళ్ళు. చోట్ పాకెట్ చోట్ కిషా అంటే మనం సిగరెట్ గా డబ్బు పెడతారు అక్కడ. అలాంటి మొత్తం జాకెట్ సిగరెట్ ఉంది లోపల అంతా అన్ని పక్కన మందిగా మొత్తం ఈ అన్ని 70 లక్షల రూపాయలు ఈ జాకెట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి మనం హ్యాండ్ఓవర్ చేస్తాం. సో ఈ అమౌంట్ కూడా 70 లక్షలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది మన నేరమట్ పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీకి మనం హ్యాండ్ఓవర్ చేస్తాము. ఈ చంద్రపట్ట వెంకటాంత వర్మ ఈయన ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈ 40 చంద్రపట్టాయి పాత్ర शमशाबाद एयरपोर्ट पर फिर एक बार सोने की तस्करी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. कस्टम एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने रविवार को शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2.3 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है. अधिकारियों ने एक यात्री को पकड़ा है जो शारजाह से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में यात्रा कर रहा था. अधिकारियों को शक हुआ कि वो सोने की तस्करी कर रहा है. जांच के दौरान पता चला कि तस्कर ने सोने को कार इंजन के पुर्जे में छिपाकर तस्करी करने की कोशिश की. मामला दर्ज कर अधिकारी जांच कर रहे हैं. ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें. हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HYT TV.